तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच ताजा आंकड़ों में 3,44,856 नए कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं 2,50,000 लोग रिकवर भी हुए, जबकि 698 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बीते दिन के मुकाबले नए संक्रमितों की संख्या में 27,324 की बढ़ोतरी देखने को मिली। फिलहाल देश में 20,11,000 एक्टिव केसेज हैं, जबकि तीसरी लहर में एक्टिव केसेज पहली बार 20 लाख के पार पहुंची। कुल एक्टिव केसेज ने 31 दिसंबर को 1 लाख, 8 जनवरी को 5 लाख के आंकड़े को छुआ था। इस लिहाज से महज 21 दिन में ही कुल एक्टिव मामले 20 गुना हो गए। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए 1 दिसंबर को 1 लाख केसेस, 5 दिसंबर को 8 लाख केसेस और महज 21 दिनों के बाद में ही 20 गुना केसेस बढ़ जाना देश भर में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बीते दिन भी 3.5 लाख के आसपास केसेस पूरे देश भर से रिकॉर्ड किए गए और सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज की गई। क्या स्थिति फिलहाल कोविड की पूरे देश में है, लोकेश बताएं। और देखिए, पूरे देश के अंदर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है कोरोना संक्रमण को लेकर। द्वितीय 24 घंटे के अंदर गुरुवार शाम जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार, 24 घंटे की, उसके अनुसार देश के अंदर 3,44,856 नए कोरोना संक्रमित देखने को मिले हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे के अंदर 698 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, यानी कि 700 के करीब लोगों की मौत होना एक दिन के अंदर। और इस तरह से हालात है पूरे देश की बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बात करें तो पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों की संख्या में 27,324 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ साथ एक्टिव केसेज की संख्या भी ऐसे में तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। बात करें तो जिस तरह से बीते 24 घंटे के अंदर जो ठीक होने वालों की जो संख्या है वो भी बेहतर देखने को मिल रही है, बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल देश के अंदर 20,11,000 एक्टिव केस पूरे देश के अंदर है कोरोना संक्रमण से, और हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो जिस तरह से बीते 24 घंटे में 698 लोगों की कोरोना से मौत होना एक बड़ी बात है अपने आप में, और मौतों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा है वो लगातार चिंताजनक बना हुआ है। बात करें तो जिस तरह से डेली कोरोना केसेज में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उससे चिंताजनक हालात बने हुए हैं। सबसे अधिक कोरोना के जो मामले हैं 7,000 की बढ़ोतरी जो कर्नाटक में देखने को मिली है कल शाम को रिपोर्ट है उसके अनुसार, और 47,754 लोगों के नए संक्रमित कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर पाए गए हैं। तो वहीं 29 लोगों की मौत हुई है। ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 22,143 रही है। साथ साथ 17% एक दिन के अंदर केस बढ़े हैं कर्नाटक के अंदर। एक्टिव केस की संख्या भी लगातार बढ़कर 2,93,000 से अधिक हो चुकी है। साथ साथ पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और 18.49% की दर से कर्नाटक में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। केरल की बात करें तो केरल के अंदर भी कोरोना मरीजों में करीब 40.21% के साथ ही इजाफा देखने को मिल रहा है, और नए संक्रमित गुरुवार को केरल के अंदर भी 46,387 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि ठीक होने वाले की जो संख्या है वो मात्र 15,388 रही है। 32 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में एक्टिव केस की संख्या केरल में भी लगातार देखने को मिल रही है और बढ़ती नजर आ रही है। 1,99,041 एक्टिव केस अब केरल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट केरल के अंदर भी 40.21% हो चुकी है। साथ ही बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर तो करीब 46,000 नए कोरोना के केस देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में, इनकी बीते 24 घंटे के अनुसार 45,932 नए मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही 37 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। देखिए, गुरुवार को महाराष्ट्र में ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 52,025 रही है, यानी कि एक्टिव केस में कुछ आंशिक गिरावट देखने को मिली, और अब भी 2,58,569 एक्टिव केस महाराष्ट्र में अभी देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में संक्रमण की जो स्तर है वो लगातार स्तर बना हुआ है। साथ ही तमिलनाडु के अंदर बीते 24 घंटे में 28,561 नए मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही 35 लोगों की मौत हुई थी जिस तरह से बुधवार को, उस तरह से गुरुवार को 39 लोगों की मौत दर्ज हुई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 18.44% की ओर से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और एक्टिव केस की संख्या भी अब तमिलनाडु के अंदर 1,79,000 हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात के अंदर भी एक्टिव केस 1 लाख से अधिक हो चुके हैं,
गुजरात में गुरुवार को जो कोरोना के मामले सामने आए वो 24,485 रहे हैं, साथ ही 13 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिव रेट गुजरात के अंदर भी 17.62 की परसेंट की ओर से बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही अन्य राज्य की बात करें तो दिल्ली के अंदर 12,306 नए कोरोना केस देखे गए हैं, साथ ही 43 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है जहां पर भी 18,429 नए संक्रमित पाए गए हैं, 4% की दर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही 10 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में एक्टिव केस लगातार उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं और 97,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हालांकि आंशिक केसों में जो कमी देखने को मिल रही है, इस दौरान 24 घंटे के अंदर 10,959 नए मरीज सामने आए, साथ ही 37 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक 10 लाख से ज्यादा जो मरीज है वो लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में गुरुवार को शाम को रिपोर्ट आई, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर 14,079 नए संक्रमित मिले हैं, साथ ही 10,528 ठीक हुए हैं। देखिए राजस्थान में पहली बार तीसरी लहर के अंदर 14,000 से अधिक कोरोना के केस देखने को मिले, साथ ही साथ 13 लोगों की मौत हुई है, जिनकी मौतों की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 18.41% की बनी हुई है। इस तरह से हरियाणा के अंदर भी 9,558 नए मरीज देखे गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए पंजाब में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, 36 लोगों ने बीते 24 घंटे में पंजाब में दम तोड़ा है। ऐसे में हालात सब राज्यों में लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और कोरोना के केस तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है और 3,44,000 नए केस दर्ज हैं, साथ ही 698 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में, तो मौतों का जो ग्राफ है वो भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए लोकेश बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट।